अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है कि वो किस हद तक रिएक्शन हो चुका है, या अभी रिएक्शन होना बाकी है, या अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, या रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब है, या रिएक्शन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है? केसी की मदद से, तो हम केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन ने अभी कितना टाइम लेना है मज़ीद कंप्लीट होने के लिए। तो वो हम उस केसी की वैल्यू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलकर के बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका केसी दिया हुआ है 2.2 × 10²² तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बहुत ज़्यादा है। इसकी जो केसी की वैल्यू है ये +22 की पावर में है, मतलब कि ये खरबों में जा रही है इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब है केसी बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक छोटा सा क्लू मैं बताता हूँ कि जब आप ये समझें कि आपके पास जो केसी है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा खरबों में है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। तो जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में। तो जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो रिएक्टेंट्स आपके पास ना होने के करीब होंगे। तो आपके पास जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो समझ जाएं कि रिएक्शन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट होने के इंतहाई करीब है, ये कंप्लीट हो चुका है। 99% रिएक्शन आपके पास क्या हो चुका है, कंप्लीट। और उस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में ज़्यादातर CO2 पाया जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस होगी जस्ट। तो द लार्ज वैल्यू ऑफ केस इंडिकेट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स ना होने के करीब हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के करीब हैं और सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्टली गॉन टू कम्प्लीशन, रिएक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट चुका है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि अगर आपके पास केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, वो था +22 में, अगर यहाँ पर केसी की वैल्यू देखें तो -9 में आ रहा है, मतलब 3.0 × 10²⁻¹। तो 3 से इधर आपने 8 जीरोज़ लगानी है, तो ये 0.00000000 समथिंग होगा। तो इसका मतलब है ये केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। वहाँ पर क्या था कि 2 से आगे आपने कितनी जीरोज़ लगानी थी, 22, तो वो खरबों में था और ये 0.000, तो वो बहुत ज़्यादा था, ये बहुत ज़्यादा कम है। तो जब केसी बहुत ज़्यादा था तो हमने समझा था कि प्रोडक्ट उसके बहुत ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट हो ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स बहुत कम है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो केसी है ये बहुत ज़्यादा है, 3.0 × 10²⁻¹ के इक्वल है। तो अगर इसका केसी बहुत ज़्यादा है 3.0 × 10²⁻¹, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कम है, माइनस में है इसकी वैल्यू, तो ये 0.00 समथिंग है, इसका मतलब है आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो जब केसी कम होगा तो प्रोडक्ट कम होंगे, जब केसी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि केसी की वैल्यू से हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। तो अब यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम है। तो अगर हम अमोनिया की डिसोसिएशन देखें, अमोनिया गैस जब डिसोसिएट होती है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो इस यहाँ पर इसके केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कम होंगे, इसका मतलब है अमोनिया बहुत ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में ऑलमोस्ट अमोनिया ही है। जब सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट ना होने के इक्वल है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसीज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, वो कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो केसी की है ना तो छोटी है ना तो बड़ी है। सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर एग्जांपल। हाँ, तो अगर ना केसी ज़्यादा है ना कम है तो
इसका मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में बराबर है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। देखें, एक ही बात याद रखनी है कि केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तो रिएक्टेंट आपके पास कम, तो रिएक्टेंट्स कम है तो रिएक्शन अभी जो है ना कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट या कंप्लीट होने के करीब है। इसके बाद आपके पास, तो जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है केसी की वो ना ज़्यादा है ना कम है, तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू खरबों में थी, 2.2 मल्टीप्लाई पर 22 प्लस में था, और यहाँ इसकी माइनस 9 पावर थी तो ये 0.0000 समथिंग हो गया, तो उसकी निस्बत ये ना तो बहुत ज़्यादा है खरबों में है और ना तो ये नेगेटिव वैल्यू में है, तो ये जस्ट 0.2 है, तो ये नॉर्मल है। तो अगर केसी की वैल्यू नॉर्मल हो तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की तादाद आपस में बराबर है, और जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की हालत में, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का केसी जो है ये ना ज़्यादा है ना कम है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब नहीं है, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास बराबर अमाउंट में है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो बहुत सी एग्जांपल्स आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, जस्ट आपने केसी की वैल्यू देखना है, और आपको क्लू बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा कम है और रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है और रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा है और रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, और अगर ये कंपेरेबल अमाउंट में है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। इसके बाद अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान, तो यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए और बी इनके नंबर ऑफ अपना रिएक्टेंट्स हैं, और समाल ए और समाल बी रिप्रेजेंट्स करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, और सी और डी जो है ये आपके पास प्रोडक्ट हैं, और समाल सी और समाल डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है केसी, तो केसी किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है सी की कंसंट्रेशन क्योंकि प्रोडक्ट है, और डी की कंसंट्रेशन के डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के। तो सी के ऊपर समाल सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके पावर एक्सपोनेंट में हम ले जाते हैं, ये समाल डी आ गया, ये समाल ए और ये समाल बी आ गया। इसके बाद इसका केसी आ गया, केसी किसके इक्वल है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर हम इन ब्रैकेट्स की जगह हम डायरेक्ट सी ही लिख दें, तो ये इन ब्रैकेट्स की जगह हमने क्या लिखना है, सी। तो यहाँ पर देखें ये सी तो रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, तो ये तो सी वो आ गया, लेकिन नीचे सी लिखेंगे इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, ये इधर बुक वालों ने मिस्टेक की है, आपने क्या करना है कि इस सेंटर में हर जगह डी आएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, तो आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, बल्कि इस रिएक्शन को इस तरह लिखना है कि ब्रैकेट्स की जगह जब आपने सी लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है कि ये आपके पास सी आ गया, ये कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है, किस सी की, ये जो आपके पास सी मतलब के प्रोडक्ट है, और ये इसके समाल सी पर इसके क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद ये कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है किस की, ये जो आपके पास डी प्रोडक्ट था, और ये समाल डी इसके क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, सी मतलब कंसंट्रेशन को, तो ब्रैकेट की जगह आपने सी लिखना है, कैपिटल ए क्या आएगा आपके पास रिएक्टेंट, समाल इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, फिर ये सी रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट को, सॉरी रिएक्टेंट को, और स्मॉल बी इसका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। तो आपने क्या करना है, ये जो ये रिएक्शन है जिस जो सिंपल सी रिएक्शन है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, जब केसी के एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आती है, तो आपने इसका जब केसी देखना है तो केसी किसके इक्वल है, ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है, इधर समाल सी जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये समाल सी ऊपर ये जो इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर सी कंसंट्रेशन किसकी, डी की, और ये समाल डी, फिर इसी तरह नीचे सी किसकी, ए,
और समाल ए नंबर ऑफ मोल्स, फिर सी बी और ये सम नंबर ऑफ मोल्स के, तो आपने इस तरह लिखना है। तो सिंपल आपने याद क्या रखना है, आपने स्केयर ब्रैकेट्स की जगह कंसंट्रेशन लेना है मोल पर डी एम क्यूब, तो सी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड द प्रोडक्ट सी डी ऑफ द रिएक्शन अंडर कंसंट्रेशन आर द गैसेस, अगर आपके पास ये गैसेस हैं तो इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है जितनी वो होगी उतना ही उनका क्या होगा प्रेशर। तो यहाँ पर देखें आप के पी कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर किस तरह मेयर कर सकते हैं, ये आपके पास प्रेशर आ गया जितनी कंसंट्रेशन थी प्रेशर, तो अब आपने उस सी की जगह क्या लिखना है पी लिखना है, तो प्रेशर किस चीज़ का सी प्रोडक्ट का, स्मॉल सी इसकी क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, फिर प्रेशर किसका डी प्रोडक्ट का और ये स्मॉल डी इसकी क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाई प्रेशर किसका आपके पास ए रिएक्टेंट आ गया नंबर ऑफ स्मॉल ए इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, फिर प्रेशर किसका बी का और ये स्मॉल बी इसके क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर के पी इसका क्या है कांस्टेंट फॉर प्रेशर किसके इक्वल है, इफ हेयर पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्ट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टर विच आर इन गैसेस फेज आर इक्वल द वैल्यू ऑफ के सी के पी रिमेंस द सेम अदरवाइज द फॉलोइंग कंडीशन। हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है और वो गैसेस फेज में है तो के सी और के पी एक दूसरे के इक्वल होंगे जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं होते तो इनका आपस में क्या लिंक है कि आपके पास जो के पी है ठीक है कांस्टेंट फॉर प्रेशर किसके इक्वल है के सी इंटू, तो ये यहाँ पर लिखते हैं कि आपके पास जो के पी है वो किसके इक्वल है के सी इंटू आर टी ओवर डेल एन के, तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी इंटू ऊपर इसकी क्या आ जाएगा डेल एन, मतलब कि चेंज नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्टर से प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स चेंज आए हैं, आर के है जनरल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है इसका टेम्परेचर, तो जस्ट आपने ये लिंक याद रखना है। तो ये इसका कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, सिंपल सा है, इसको जस्ट एक बार आपने पढ़ लिया।